नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, जहां एक तरफ सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के चक्कर में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ ठेकेदार कर्मचारी सड़कों को तोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामपुर अगा रोड में माया देवी धर्मशाला तक गैस पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसमें जमीन में सुराख करने वाली एक मशीन आई हुई है। उस मशीन पानी की पाइपलाइन में सुराख कर दिया गया है, जिससे शहरी लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। आइए डालते हैं विवेक कश्यप की इस रिपोर्ट पर नज़र, जहां एक तरफ तो सरकार गड्ढों को मुक्त करना चाह रही है, लेकिन ठेकेदार हैं कि गड्ढा युक्त सड़कें भी बना दे रहे हैं। नाम है चाचा? कृष्ण कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहना विष्णु विहार में रहता हूँ। इस टाइम निजी तौर पे कहाँ रह रहे हैं? इस टाइम निजी तौर पे विष्णु विहार में रहता हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ है, क्यों गड्ढे किए गए हैं? ये इन्होंने उसके गैस का पाइप डालना है, शायद उसके लिए जो है ये पाइप डालना है। उसके वक्त इन्होंने लेबर उबर ने ज़्यादा मार दिया, पाइप टूट गया उसका, और पाइप टूट गया तो लीकेज वीकेज होने लगी। लेकिन यहाँ तो लीकेज भी नहीं थी, बिला वजह इन्होंने खोदा है, और खोदने के बाद खोद के छोड़ दिया। अपना इसको पाट रहे हैं ना कुछ, इसमें भयानक कोई ये हादसा हो जाएगा और साला एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है। दूसरा ये कि मकान नाला वाला सब गिर जाएगा अगर पानी भर गया तो, मौसम बारिश का हो रहा है। किस चीज़ की लीकेज का लीकेज हो रहा है? पाइप, पाइप जो अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछी हुई है उसकी लीकेज की संभावना थी। किस चीज़ की थी? पानी की थी? पानी की, पानी का लीकेज। तो आपने किसी से कंप्लेंट की है इसकी? कंप्लेंट हमने उनको बोला है, अभी उसको जो इनका ठेकेदार है मैनेजर है उनको कहा है मैंने कि भैया ये गड्ढा खोदा है लेकिन है नहीं, इसको पाटवाओ। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? वो कह रहे हैं कि हम अभी लेबर को भेजते हैं, देख रहे हैं उसको पटवाते हैं। आपको क्या लगता है हो जाएगा ये? अब उन्होंने कहा है, अब देखिए दोपहर तक वेट करते हैं उनका, नहीं तो आगे कंप्लेंट करेंगे, म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करेंगे इसकी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।